आपने बेरियाट्रिक सर्जरी यानी मोटापे की ये सर्जरी कराई है, जी आज कितने दिन हो गए हैं? आज मेरे को 6 दिन हो गए, अच्छा, है ना। क्या मैं ये जान सकता था कि कितना वजन आपका था इस अस्पताल में आने के पहले, और क्या-क्या तकलीफें आपको थी? मेरे को बीपी था, मेरे को शुगर, डॉक्टर बॉर्डर में बोल देते, और ये ओवरवेट की वजह से मैं बहुत परेशान थी, चलना फिरना मुश्किल, और मतलब कोई काम काज अपने से नहीं कर पाना, बस खाली ये उठना बैठना नहाना धोना बस यही होता था। आज मेरा वजन ऑपरेशन के बाद 12 किलो कम हुआ है। मेरा कितना? 143 kg वेट था, मेरा आज मेरा 131 kg वजन है। आज मैंने सुबह लिया अपना वन अच्छा, थर्टी ये जितनी चीजें आपको परेशानियां थी, आज आप क्या कैसा महसूस कर रही आज मेरे को हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हल्कापन लग रहा है, और मतलब हल्का चलने वलने में भी अच्छा लग रहा है, और लगता है एक नया जीवन ही जैसे मिला। उससे पहले तो मेरे को बहुत ही परेशानी थी कई और भी मरीज ऐसे होते हैं जो बहुत मोटे होते हैं जी। और उनके मन में एक दुविधा होती है कि ऑपरेशन से के बाद मालूम नहीं कैसा क्या होगा, किस तरीके से होगा, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि देखिए डर तो लगता है ऑपरेशन नाम से, लेकिन मैं भी जब आई थी खूब डर रही थी, लेकिन सिर्फ एक भरोसा करके आई कि अच्छा होना है, भगवान अच्छे के लिए ही शायद मेरे को 2 साल से टाल रहा था, लेकिन मैंने अपना ऑपरेशन कराया, उसके बाद मेरे को अपना बहुत अच्छा लगा, मेरे को बहुत हल्कापन लगा, और लगा कि सब कुछ मेरा सक्सेस रहा आना यहाँ। आप इस हमारे अस्पताल मोहक हाईटेक सेंटर के लिए जी क्या बोलना चाहेंगी, कैसी सुविधाएं हैं यहाँ पर? हम यहाँ पर सभी सुविधाएं बहुत हैं, अच्छी हैं, हर डिपार्टमेंट का बहुत अच्छा वो है, होल है, बाइयाँ हैं, अपना ये रहने का प्रवास का है, सबका बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, और मतलब वाकई मन बहुत खुश हो गया। अपन तो सोच के आए थे पता नहीं कैसी व्यवस्था होगी क्या होगा, लेकिन सब कुछ बहुत अच्छा रहा है यहाँ, बहुत मतलब मन खुश करके ही जा रहा है एक और चीज, जी। डॉक्टर मोहित भंडारी जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको थैंक्स देना चाहती हूँ कि मैं तो उनको ही भगवान मान रही हूँ, कि भाई मेरे को तो एक नया जीवन ही दिया है उन्होंने, क्योंकि मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी कि अब तो क्या होगा, अब तो स्टेज खत्म की आ गई है, इससे ज़्यादा और बुरा हाल क्या होगा, लेकिन अभी लगता है कि शायद मेरा नया जीवन फिर शुरू हुआ है, तो उसके लिए मैं उनको बार बार थैंक्स दूंगी। चलिए अंजा जी, मैं आपके स्वस्थ जीवन और कुशल जीवन की कामना करता हूँ। आप हमेशा मुस्कुराते रहें जी और स्वस्थ रहें, यही शुभकामना आपके साथ है। थैंक थैंक यू। यू।